हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज मैंने बनाई है ये आलू की पूरी। और पूरी ना आज थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाई है, बहुत ही कुरकुरी सी, एकदम खस्ता वाली। ये देखिए, मैंने लिया है गेहूं का आटा, 2 कटोरी आटा है। इसमें मैंने थोड़ी डाली है अजवाइन और नमक डाल लिया है हल्का स्वाद अनुसार। और इसमें ना मैं अभी डालूँगी 2 बड़े चम्मच गरम तेल। गरम कर रखा है ये मैंने तेल, ऑयल, रिफाइंड जो भी आप लेना चाहो। और इसको ना अच्छे से मिक्स करूँगी मैं आटे में, इतना मिक्स करूँगी। पहले एक हाथ से कर रही थी मैं, फिर दोनों हाथों से ही ऐसे मल मल के ऐसे इसको अच्छे से बहुत सॉफ्ट सा हो जाए जब से ये। और इसकी ना जैसे हाथ में ले तो ऐसे मुट्ठी बंद हो जानी चाहिए, ऐसा आटा होना चाहिए हमारा। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी बहुत ही, इसको सारे ऑयल को इसमें। और फिर हम अपना लगाएंगे ये आटा, थोड़ा जितने भी पानी की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए वैसे ऐसे मुट्ठी बंद हो रही है ना, ऐसे होना चाहिए आटे में। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका बना लूँगी एक स्मूथ सा आटा। ये देखिए अच्छे से। और मैंने ना थोड़ा हल्का गुनगुना ही पानी लिया था, क्योंकि ठंड होती है, ठंड में अब जब मैं हल्का गुनगुना कर लेती हूँ आटा बनाती हूँ जब पानी को। और ये मैं अच्छे से बना लेती हूँ इसको आटे को। ये देखिए आटा बनकर हो गया तैयार। और अब इसको ना मैं थोड़ा कपड़े से ढक के और इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी आटे को। उसके बाद फिर मैं करूँगी बाकी की तैयारी और अपनी। ये मैंने इसको ढक के छोड़ दिया है अब। और 1 कटोरी मैंने लिया 1 चम्मच सौंफ और 2 से 3 चम्मच लिए मैंने ये धनिया, साबुत धनिया। और 6-7 लिए हैं काली मिर्च। और 1 चम्मच लिया है मैंने इसमें जीरा। और इसको ना मैं दरदरा सा कोट लूँगी। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी, लाल मिर्च। और मेरे पास ना ये सूखी हुई लाल मिर्च थी घर की, जो सब बच जाती है हरी वो सूख जाती हैं, लाल हो जाती हैं, मैंने वो ही ले ली थी। और अब मैंने चढ़ा दिया है ये पैन। इसमें मैंने डाला है थोड़ा रिफाइंड, बल्कि ऑयल गर्म हो गया तो हींग डाल दिया। और जो मसाला हमने कूटा था ना दरदरा, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी इसको मसाले को। और अब मैं थोड़ा सा भूनने के बाद 2 से 3 मिनट अब मैंने इसमें ऐड किया है 2 से 3 चम्मच बेसन की। और अब इसको अच्छे से भूनना है। और यहाँ पे ना ये मेरा ऑयल थोड़ा कम रह गया था, फिर मैंने दोबारा नहीं डाला, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कम से ही एडजस्ट कर लेते हैं। और थोड़ा सा ये भूनने के बाद 2 से 3 मिनट तक बेसन भून जाए हमारा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया तो हमारा पहले ही डला हुआ है। ये मैंने इसमें डाल दिया है नमक और धनिया भी डाल दिया है थोड़ा। और थोड़ा मैंने इसमें ऐड किया है लास्ट में काला नमक, आधी चम्मच काला नमक ऐड किया, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर भी। और जब मैंने ये आलू लिए हैं, 6 से 7 आलू थे ये मेरे, मैंने इनको अच्छे से कद्दूकस कर लिया था ठंडे करके। और अब इसमें अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से चलाते हुए। और देखिए तब तक हम इसको भून लेंगे अच्छे से, जब तक ये हमारे पैन में बिल्कुल भी ना डल लगे। और मेरे पास ना हरा धनिया नहीं था, नहीं तो हरा धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कई दिन से सब्जी वाले हरा धनिया पूछती हूँ तो लेके ही नहीं आते, तो मैंने यहाँ पे इसमें ऐड करी थी। फिर थोड़ी कसूरी मेथी, उसका भी फ्लेवर अलग ही आता है। और बस देखिए ये हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसको मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल के। और अब ना मैं इसकी छोटी छोटी सी नींबू की साइज़ के बना लूँगी ये बॉल्स इसकी। ये देखिए सारे की मैं ऐसे इसकी बॉल्स बना के रख लूँगी। और मैंने ना पैन में और भी बाकी तेल डाल दिया था उसमें ऑयल, जिससे कि वो गर्म हो जाए। और ऑयल को ना हमें पहले गर्म करके और बस फिर गैस ऑफ कर दी थी मैंने, क्योंकि फिर थोड़ा वो अपने उस पर आ जाए, थोड़ा ठीक हो जाए, ज़्यादा गर्म ना रहे, क्योंकि ज़्यादा गर्म गर्म नहीं लेना है हमें तेल, थोड़ा ही मीडियम से लेना है। और मैंने फिर ये आटा देखा था तो मैंने इसमें से ना थोड़ी थोड़ी फिर बनानी शुरू करी है ये लोई लेके। अब मैं 2 से 3 3 पूरी बनाऊंगी, जितनी मेरी इसमें आ जाएंगी एक बार में ऐसे ही बनाऊंगी। और ये देखिए मैं अच्छे से आटा कर रही थी पहले। और ये इसमें बेलन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें हाथ से ही बना लूँगी ऐसे ही। और ये ना आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, पसंद नहीं 2-3 दिन से ना कैसी तबीयत ख़राब हो रही है, कोल्ड वगैरह सा ऐसा हो रहा है, गले में भी खराशी हो रही है,
और हनु के पापा के भी 2-3 दिन से फीवर आ रहा है, तो उन्होंने तो ना फिर उनका मन भी नहीं करा था, मैंने बना तो ली थी, फिर ऐसे खाई भी नहीं थी, बल्कि 2 पूरी खाई थी बस, और बाकी मेरी पूरी ऐसे ही बच गई थी। फिर उनको फीवर हो रहा है। अब देखिए मैं ये ना जो बोल्स बनाए थे नींबू साइज के, ये मैं इसमें कटोरी से बनाई है, जो इसमें अच्छे से इसको रख के और इसको ऐसे घुमाते हुए इसको, या तो हम इसको एक्स्ट्रा आटे को तोड़ दें या फिर इसमें ही मोड़ देंगे यहाँ पे ऐसे अच्छे हाथ से ही, और बीच में ना हमको इसको प्रेशर देना है और साइडों में से उंगलियों से दबाते हुए ऐसे बना लेनी है। ये देखिए मैं 2 से 3 पहले बना के रख लूँगी, उसके बाद फिर मैं ये फ्राई करूँगी। ये देखिए अच्छे से मैं बीच में प्रेस कर रही हूँ और उससे हथेली से और फिर साइडों में उंगली से इसको दबा रही हूँ इसको पूरी को, और ज़्यादा बड़े साइज़ की भी नहीं बनानी है, छोटी छोटी ही बनानी है। अभी देखो तेल हमारा ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ये जो इतना गर्म होना चाहिए कि जिससे हमारी ये पूरी एकदम से ऊपर ना आए, थोड़ी देर बाद ये फूल के तब ऊपर आए। और ये देखिए ये मैंने डाल दी है इसमें और अभी अच्छे से सीख जाएगी। अब देखिए ये आप देखिए खुद, अब ये थोड़ी सी फूल गई है ना, तो ये ऊपर आ गई है, और गैस का जो फ्लेम था वो मैंने बिल्कुल लो कर रखा था, लो से मीडियम, मीडियम पे तो बहुत ही कम किया, लो फ्लेम पे ही बनाया जाता है। तो और अब ना मैं चम्मच से लेके एक इस पे ना ये तेल थोड़ा थोड़ा इस पे डाल दूंगी ऐसे करके, जिससे कि ये अच्छे से सीख जाए। तो राम राम सभी दोस्तों को, ये देखो जी हमारे बजे हैं सुबह के 11, अभी हमारा नाश्ता रेडी नहीं हुआ है, और आज स्पेशल पूरियाँ बन रही है, और पूरियों में क्या बनाया है ये पता नहीं, क्या मसाला से बनाया है मैडम जी ने, और ये अंडे से बना कर रख दिए हैं मेरे लिए, और अभी भी नाश्ता तैयार नहीं हुआ, सुबह के 2 बजे हुए हैं 11। अब देखो दोस्तों तो आज नाश्ता सोफे में, और ऊपर से बोल रहे हैं नाश्ता और लंच की है, डिनर पता नहीं कब मिलेगा, 12 बजे मिलेगा या 11 बजे मिलेगा, इसकी तो कोई आप मंडे को जाते हो नहीं जाते ना, फिर तो बताते कि जाना है, आज मेरे को काम है ना, तो पहले बताना था ना, सुबह से 2 कस्टमर तो शॉप पे घर पे ही आ गए, हमारे शॉप बंद है ना तो वो घर पे आ जाते हैं, घर पास नहीं है, तो मैडम जी उठे थे 9:30 बजे आज, झूठ बोले 8:30 बजे उठी थी, और शाम को सो गए थे 7 बजे 8 बजे 2 बजे की बात करो, ओहो 2 बजे 2 कौन सी घड़ी में बज रहे थे, हमारी वाली में जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी कर दो, सोना सोना लो क्या लगाना है, बस पीपा पीक दिखाते रहो इस बच्चे को, न्यूज ना लगाओ और कुछ ना लगाओ, बस पीपा पीक दिखाते रहो, देख मम्मी ने क्या बनाया नु, देखो चिज्जी बनाई है मम्मी ने, चिज्जी है ये, क्या है नु ये कचोरी, क्या है ये चचोरी, नहीं कचोरी चचोरी नहीं है बेटा कचोरी, हाँ चिज्जी है।